रेट पे AI की रैंकिंग कम करके ऑथेंटिक कंटेंट की वैल्यू को ज़्यादा मान रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वर्कशॉप ले दूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, यही डर है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि हमारा यूथ स्पॉइल हो जाएगा। वो पता क्या है, उसमें कमल डालो तो कमल पे कविता आ जाती है, फिर आपको लिखने की ज़रूरत कैसे है, आप कवि कैसे बनोगे? उसमें आप लिखो कि कोई भी सिटी का नाम डाल दो, उस पर पूरी डिटेल आ जाती है। आपको CV बनाना है, वो CV बना के आपको दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको जो ये बुद्धि दी हुई है वो किस लिए दी है? बुद्धू बनने के लिए? ChatGPT आपका जो एरा है करियर बनाने का, उसमें प्लीज आप लकी हो कि मैं आपको ये विजन दे रही हूँ, प्लीज इस तरफ नहीं बढ़िए। टेक्नोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी बनाई है ना, तो ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है? टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस की जरूरत है। ब्लॉग्स आपका विजन है, ब्लॉग्स ही हैं जो आपको डिफाइन करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? ब्लॉग्स आपको डिफाइन करेंगे। अगर आपको भाषा नहीं आएगी, अगर आपको आजकल तो एंकर्स भी बन जाती है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या होगा? अगर सब कुछ रोबोटिक हो गया ये इंडस्ट्री में, तो इंसान कहाँ जाएंगे? भाई सोने की कीमत ज़्यादा होती है कि चांदनी चौक से जो सोने में लपेटा हुआ एयरिंग होता है वो ज़्यादा महंगा होता है? सोने की एयरिंग इन्वेस्टमेंट होती है ना, गोल्ड का सिक्का खरीदना इन्वेस्टमेंट होता है, तो प्लीज़ गोल्ड का सिक्का ही खरीदिए, सुनार के पास जाके गोल्ड का कॉइन ही खरीद रही है, जो आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, जो आपके ज़िंदगी में आगे काम आएगा। बड़ा बड़ा लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिख लो मुझे आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो AI, मैं जब तक बहुत आगे ना पहुंच जाऊं तब तक AI की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हूं, मैं भी KV की स्टूडेंट हूं।